ए डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू पार्टिकल वन विथ चार्ज क्यू एंड मास एम एंड अदर विथ चार्ज माइनस क्यू एंड मास टू एम पार्टिकल्स आर अटैच टू द टू इंड्स ऑफ लाइट दैट मीन्स इट इज मासलेस रिजिड नॉन कंडक्टिंग रड फाइंड द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसुलेशन ऑफ द डायपोल अबाउट द इक्बरियम पोजिशन ठीक है सो इक्विबिरियम पोजिशन के अबाउट जब इसको स्मॉल एंगल ठीटा से अगर रोटेट कराया जाए तो so इसका एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसलेसेशन क्या होगा ये हम लोगों को निकालना है ठीक है so, सो देखिए लेट से इसको थीटा एंगल से रोटेट कराया गया स्मॉल एंगल से ठीक है सो so, फोर्स इस डायपोल पर क्या लगेगा देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है लेट्स से दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ई और इसमें अगर चार्ज कोई क्यू प्लेस करते हैं सो so क्यू पर फोर्स कितना लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इसका वैल्यू होगा क्यू इंटू ई ठीक है सो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ठीक है सो so, क्यू है सो so क्यू पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में सो दैट इज दिस वन सो इसका वैल्यू कितना होगा क्यू इन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई ठीक है देन सिमिलरली इसमें आते हैं सो तो इसमें फोर्स किस इस डायरेक्शन में लगेगा सो तो इसमें फोर्स देखिए हमारा माइनस है ना सो तो अगर यही माइनस क्यू रहेगा सो तो इस डायरेक्शन में क्या होगा एफ ई e का वैल्यू माइनस क्यू ई होगा सो तो ये फोर्स क्या है वैक्टर है ना सो तो इसको रिवर्स कर दीजिए डायरेक्शन को सो क्यू ही इस डायरेक्शन में हो जाएगा ठीक है सो तो अगर माइनस क्यू है सो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इसमें फोर्स लगेगा ठीक है सो तो इस डायरेक्शन में फोर्स इसमें हो जाएगा दैट इज़ क्यू इन क्लियर है ठीक है अब देखिए फोर्स तो हम लोग निकाल लिया अब इसमें क्या करना पड़ेगा हम लोगों को क्योंकि रोटेशन का प्रॉब्लम है ये सो रोटेशन में हम लोग क्या लेते हैं टॉर्क ठीक है सो टाउ so, लेना है टॉर्क डैट इज व्हाट अबाउट सेंटर ऑफ मास हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेते हैं ठीक है डैट इज इक्वल टू आई अल्फा अल्फा इज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ठीक है सो टॉर्क हम लोग लेंगे किसके अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो देखिएगा यहाँ पर ध्यान से कि अगर मान लीजिए दोनों मास सेम रहता है लेट्स से इट इज एम ये भी एम रहता है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है सेंटर में होता है डैट मीन्स अगर इस रड का लेंथ एल है ठीक है सो ये एल बाई टू होता है देन ये भी एल बाई टू होता ठीक है सेंटर ऑफ मास इस पोजिशन पर पो होता है क्वेश्चन में रड का लेंथ जो है एड कर लीजिए डैट इज एल ठीक है ये लाइट मासलेस रड का लेंथ एल ले लीजिए ठीक है so, सो अभी हमारे पास क्या है एक मास एम है दूसरा टू एम है सो so, शुरू करते हैं सो सेंटर ऑफ मास या तो यहाँ से कैलकुलेट कीजिए या इस एंड से कैलकुलेट कीजिए ठीक है सो हम लोग क्या करेंगे टू एम से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो मास टू एम को ऑरजिन पर मान लीजिए लेट से दिस इज ऑरिजिन ठीक है सो ऑरिजिन का कॉर्डनेट क्या होगा जीरो कॉमा जीरो होगा ठीक है देन इस मास को हम लोग मान लिए हैं एम ठीक है सो लेंथ so, कितना है टोटल लेंथ तो हमारा रड का एल है ठीक है सो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है सो सेंटर ऑफ मास का फार्मूला क्या होता है एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू ठीक है ना सिर्फ दो मास के लिए हम लोग ले रहे हैं तीन रहेगा सो प्लस एम थ्री एक्स थ्री डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री इस तरह से चलता है ठीक है सो यहाँ पर ओरिजिन लिए हैं सो सबसे पहले फार्मूला लगाइए मास एम वन लेट से दिस इज एम वन सो क्या होगा टू एम ठीक है इन टू ऑरिजिन पर लिए हो तो इसका डिस्टेंस क्या है ऑरिजिन से जीरो है सो यहाँ पर जीरो पुट कर दो प्लस दिस इज़ एम ठीक है सो so, इसका डिस्टेंस ऑरिजिन से कितना है एल है सो so यहाँ पर एल पुट कर दो डिवाइड बाई टू एम प्लस एम ठीक है सो सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन हम लोग इस मास के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इधर से मेजरमेंट होगा ठीक है सो देखिए सी एम हमारे पास कितना आ जाएगा जीरो सो इट इज़ एम एल डिवाइड बाई थ्री एम ठीक थ्री एम ठीक है सो एम कैंसल आउट सो इट इज़ एल बाई थ्री डैट मीन्स सेंटर ऑफ मास आपका टू एम मास से कहाँ पर होगा दैट इज एल बाई थ्री ये एल बाई थ्री होगा ठीक है सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस सो so, इस मास के लिए क्या होगा सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस इस मास से अगर मेजरमेंट करोगे सो इट इज़ एल माइनस एल माइनस एल बाई थ्री ठीक है टोटल एल है ना सो दैट इज इक्वल टू टू एल बाई थ्री ठीक है ये हम लोगों ने निकाल लिया सो so, इसका यूज़ कहाँ करेंगे हम लोग टॉर्क लेने में सर so, टॉर्क कैसे लेंगे सो देखिए फोर्स है फोर्स पर परपेंडिकुलर पेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए इस एक्सिस के अबाउट ठीक है सिमिलरली इस फोर्स पर परपेंडिकुलर पेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए इस एक्सिस के अबाउट सो देखिए यहाँ पर एक ट्राएंगल बन गया सो so, ये जो वैल्यू हमारे पास है दिस वैल्यू इज वाट इट इज टू एल बाई थ्री टू एल बाई थ्री दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज वाट एल बाई थ्री ठीक है सो so, इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं सो so, अगर ये ठीठा है तो so ये वाला वैल्यू भी क्या होगा ठीठा होगा ना सो so, सबसे पहले क्या कीजिए इसमें आगे साइन थीटा लेना है सो so, साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय है सो ये वाला वैल्यू हमें चाहिए लेट्स से दिस इज इसको कुछ मान लेते हैं ए बी इसको सेंटर ऑफ मास को ओ मान लीजिए देन यहाँ पर सी डी इस तरह से कुछ मान लीजिए ठीक है so, सो इस ट्राइंगल ओ ए बी में साइन थीटा हम लोगों ने लिया सो so, साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा ए बी बाई बाई थ्री ओके सो ये ए बी का जो वैल्यू होगा डैट इज इक्वल टू टू एल बाई थ्री साइंथीटा ठीक है सिमिलरली जब इसमें हम लोग लेंगे तो क्या आ जाएगा लेट से दिस इज सी डी सो सी डी का जो वैल्यू आएगा दैट इज एल बाई थ्री साइंटीटा एल बाई थ्री साइंटीटा क्लियर है अब हम लोग टॉर्क ले रहे हैं ठीक है so, सो टॉर्क का भी डायरेक्शन देखना पड़ेगा मोमेंट का डायरेक्शन है वॉर्ड द सेंटर ऑफ मास सो देखिए फोर्स आर क्रॉस एफ तो इसके लिए जो आर वेक्टर होगा आर वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा दिस वन ठीक है सो आर क्रॉस एफ सो ये क्या करेगा क्लॉक वाइज टॉर्क देगा ठीक है देन सिमिलरली इसमें भी देखिए आर इस डायरेक्शन में है ठीक है फोर्स इस डायरेक्शन में सो आर क्रॉस एफ अगेन ये क्लॉक वाइज देगा ठीक है मीन्स दोनों टॉर्क का डायरेक्शन सेम है तो आपको क्या करना है नेट टॉर्क जो है ऐड कर देना है ठीक है so, सो आइए लोग टॉर्क लेते हैं सो so, टॉर्क इज आई अल्फा so, सो सबसे पहले नेट टॉर्क आप ऐड कर दीजिए सो so, टॉर्क कैसे निकालेंगे क्यू ई इस फोर्स पर इस फोर्स पर टॉर्क का वैल्यू क्या होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ टाओ इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है ठीक है ना इस तरह से वेक्टर फॉर्म में ठीक है या फिर अगर इसको लिखिएगा सो टाओ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा ठीक है सो क्यू ई डिस्क फोर्स और इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी सो ए बी का वैल्यू कितना है ट्वेल्व बाई थ्री साइन थीठा ठीक है देन प्लस दोनों का सेम सेंस है देन इस फोर्स का वैल्यू देखिए क्या है अगेन क्यू ई है सो क्यू ई देन एल बाई थ्री साइन थीटर ठीक है इक्वल टू आई अल्फा सो आई क्या है मोमेंट ऑफ एनर्सिया है ना मोमेंट ऑफ एनर्सिया लेना है किसके अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट सो so जब इसका मोमेंट ऑफ एनर्सिया ले लीजिएगा सो मोमेंट ऑफ एनर्सिया पॉइंट मास का क्या होता है एम आर स्क्वायर होता है ठीक है एक्सिस से डिस्टेंस उसका आर होगा सो so इसके लिए एक्सिस से डिस्टेंस कितना है टूएल्व बाई थ्री है सो मास एम इंटू टूएल्व बाई थ्री का स्क्वायर ठीक है देन प्लस दिस मास टू एम इंटू एल बाई थ्री का स्क्वायर ठीक है अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं ठीक है सो so, सबसे पहले देखिए इसको अगर हम लोग लेंगे वैल्यू को सो क्यू ई साइन थीटा तो कॉमन हो गया बाकी इसको अगर हम लोग ऐड कर दें टू एल बाई थ्री एल बाई थ्री सो क्या हो जाएगा क्यू ई देन सिंपल एल साइन थीटा ठीक है डैट इज़ इक्वल टू इस वैल्यू को कैलकुलेट करो सो तो ये वैल्यू कितना होगा फोर बाई नाइन एम एल स्क्वायर देन प्लस टू बाई नाइन एम एल स्क्वायर देन अल्फ़ा ओके सो अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो साइन थीटा को हम लोग अप्रोक्सीमेट करते हैं थीटा के बराबर ठीक है सो so, ये क्या हो जाएगा क्यू ई e एल देन थीटा ठीक है इसको थीटा कर दीजिए सो इक्वल टू कितना हो जाएगा that इज़ फोर प्लस टू डेट इज़ सिक्स बाई नाइन एम एल स्क्वायर इन अल्फ़ा ठीक है रिस्टोरिंग टॉर्क है यहाँ पर हम लोग माइनस ले सकते थे लेकिन कोई जरूरी नहीं है हम लोग सिर्फ ओमेगा निकालना है तो माइनस पे मैं नहीं जाता हूँ ठीक है सो so, देखिए यहाँ पर एल जो है ना कैंसिल हो जाएगा सो दिस इज़ टू बाई थ्री एम एल स्क्वायर अल्फा सो यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ टीटा सो अल्फ़ा का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे सो so, कितना हो जाएगा थ्री बाई टू क्यू ई ठीक है डिवाइड बाई एम एल ठीक है एम एल से डिवाइड कर दिया हम लोगों ने देन यहां पर ये यह ठीठा आ जाएगा ठीक है सो देखिए अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू ठीठा है ना अगर यहां पर नेगेटिव साइन हम लोग लेते तो ये माइनस ऑफ ठीटा आता सो डैट मीन्स ये जो ठीटा का जितना भी फैक्टर है ये वाला वैल्यू ठीक है ये वैल्यू क्या है दिस इज ओमेगा स्क्वायर ठीक है ना सो so, इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास आ रहा है थ्री बाई टू क्यू ई बाई एम एल ठीक है सो so, ओमेगा का वैल्यू कितना आएगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी थ्री क्यू ई बाई टू एम एल ठीक है सो so, ये इसका एंगुलर फ्रिक्वेंसी होगा ठीक है